को कैसे इंट्रोडक्शन हुआ तुम्हारी तो लाइफ में अगर तेरे अंदर और कोई नुआंस नहीं है <laughs> <laughs> जिससे जब... एक्टिंग तो हो नहीं रही <laughs> हाँ। तो हर लाइन में बस चोधी घुसारी है हाँ। तो तू तो हमारे यहाँ से जा तू कुछ अपमेडी ट्राई कर 2016 अच्छा जब वीडियो तो, वायरल होने दिख गए थे मुझे लगा कि ये पैसा आ, आ रहा है ये भाई कमर्शियल टाइम पे आई थी अच्छा तो तब मेरे को बस जैसे बहुत लोग लाइफ में बोल नहीं जाते यार तू बड़ा फनी है तू स्टैंड अप ट्राई कर बट राएग. 99% वो लोग गलत होते हैं

करती थी मैं सीए कर रही थी ट्वेल्थ के बाद सी ए करते थे, थे तुम तो? नहीं ग्रेजुएशन करी मैंने वो कहाँ से किया वो फुल फुल टाइम कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि सीए कर रही थी अच्छा वो बढ़िया सा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया नहीं नहीं एक सेकंड ट्वेल्थ की तुमने ट्वेल्थ किया तुमने कॉमर्स विद मैथ है ना कॉमर्स विद मैथ है हाँ, हाँ, ना उसके बाद तुमने क्या किया उसके बाद मैंने वैसे तो बीकॉम एडमिशन ले लिया था बट फिर मैंने सीए स्टार्ट कर दी थी सडनली सेम ईयर हाँ अच्छा तो फिर मैंने फिर कॉलेज छोड़ना पड़ा ना क्योंकि ड्रॉप आउट करना हाँ पर हाँ। मेरा कॉलेज था बहुत बढ़िया नॉर्थ कैंपस में प्लीज बता दोगे इफ यू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बस वही मैं तभी क्योंकि तुमने जो इतना रोका जो पॉज दिया <laughs> तभी मुझे लगा था बट ठीक तो, है हाँ, हां अच्छा किया सीए ये कर करते थे फिर फिर सीए ये छोड़नी पड़ी क्योंकि हो नहीं रही थी ओह अच्छा तुम स्टूडियस थे बचपन में

<laughs> तो सीए हुई नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गई थी बट बड़ बड़े नंबर आस पास ही थे मतलब ऑलमोस्ट पास ही थी मैं वन okay. नाइनटी कुछ था स्कोर और दो सौ चाहिए होते हैं okay. तो ये सीए वाले यही बकचौदी करते हैं ये काटते देते हैं पांच छह नंबर के जो लगा रहेगा वो सच में वर्थ है अच्छा जिसको अच्छा, जाना है वो निकल लेगा सही टाइम पे अरे हाँ. okay. क्यूँकी जो बहुत ही बड़ी है वो 200 पे पास नहीं हो रहे हैं

वाह ये अभी तक चल रहा है ये कि हमने पहले कॉलेज छोड़ा सी छोड़ा फिर लड़का भी छोड़ दिया ओके नेक्स्ट क्या था फिर हमारी पाइपलाइन में फिर हमारी पाइपलाइन में आई मास्टर्स अच्छा। के के मैंने... कैसे आ गया पहले? तीन साल ग्रेजुएशन वही अपनी सेम कॉलेज से, से यार्स अच्छा, क्योंकि मेरा मेन जो था वो तो छूट गया था ना राइट राइट मेन कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा था सी के चक्कर में हाँ। फिर सी छूट गई कौन लेगा इतने साल ठीक है अच्छी मास्टर्स कर लेंगे फिर मैंने बहुत अच्छी मास्टर्स करी एम टी यूनिवर्सिटी जितनी इज्जत मेरी तुम्हारी तो इक्कीस मिलियन के लिए बढ़ थी सारी इज्जत अब आपको अच्छे कॉमिक्स चाहिए आ, आ, आई, आई वाली हिस्ट्री के लिए तो फिर मुंबई <laughs> के, तो तो, के, के? के साथ मैं। क्यों? पता नहीं। मैं शायद मेरे को और दस चीजें दिखाई देने लग गई जो बच्चों के साथ होता है कॉलेज जाके जो भी समझ लो बहुत सब कुछ करना है दो साल मैंने मास्टर्स करी जो कि अशी में थी बताओ एम <laughs> की लाइफ क्योंकि हमारे पास अभी तक बहुत आ, इधर उधर कॉलेज से बहुत सारे लोग आए से कोई नहीं आया तो तो आपको से सेट में। <laughs> अच्छा, उनका, वो से नहीं नहीं उनका एक सेट है ना यार मैं सच बताऊ एम मुझे पता था उतना अच्छा कॉलेज नहीं है और मैं कोर्स भी थोड़ा रैंडम ही कर रही थी एमबीए में भी मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया था कैट में बेसिकली मेरा मेरे को तो था कि या तो कुछ बहुत बड़ा चाहिए या फिर हाँ, मतलब वो वो तो हाँ, तो वो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी थी ना क्यूँकी हाँ, मीडियोक्रेटी करनी होती तो मैं फिर वही वाला कॉलेज ले लेती जो मुझे राइट, मिला राइट, था नाइनटी हाँ, परसेंट हाँ, पे हाँ, तो मुझे ऐसे था इधर दिस और दैट क्योंकि जब मैं ये कर रही हूँ इतने साल मैंने यही किया बट आई वॉज ऑलवेज लुकिंग देर राइट पर मुझे पता कुछ तो है लाइफ में जो मेरे लिए इधर बना है राइट right. तो मैं वही फिगर आउट कर रही थी एमिटी में मैंने सच में कोई पढ़ाई नहीं की आप मानोगे nice. नहीं मेरी एमिटी में बैक आई हुई है <laughs> ये तुम ये पॉडकास्ट में क्या चाह रहे हो कि एट द एंड 40 मिनट में बेटा हो गया तो तुम निकलो आप, यार ये काफी वाइल्ड होने आ, वाला शो है आपका काफी गलत 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 आर्टिस्ट को हम बुला रहे हैं ये तुम वीडियो की बातें करो तो एजुकेशन पे बदत जाओ But again, telling you, मैं आपको दोनों बातें बताती हूँ हाँ, मेरे ट्वेल्थ में 90% परसेंट आया बोर्ड्स में मेरे टेंथ में नाइन सी जी भी आया है। okay. मेरे मैथ्स में 90 प्लस थे अकाउंट्स में 95 फाइव थे बिजनेस स्टडीज में 90 थे बाकी थोड़ा इंग्लिश में 85 हाँ, something. हाँ, हाँ। ये सब मेरा स्कोर रहा है मेरे सारे दोस्त 95% साथ वाले साथ रहे हैं लाइफ में हाँ। इट्स जस्ट दैट कि एमिटी में आके मुझे पता था कि इवन इफ आई गेट अ गुड स्कोर पैकेज एट मैक्स शायद डेढ़ लाख फालतू लग जाएगा कुछ हाँ, नहीं याद है कोई ही मेरा सभी, सभी, और मैं आपको बताती हूँ वो मेरी पहली एक्चुअल कॉलेज लाइफ थी

अच्छा बट अभी मैं पश्चिम बिहार से तुम डाउन थी, थी क्योंकि गाड़ी लेके दोस्त वो भर के सारे गाड़ी में oh, जा रहे मतलब जाना भी एक ट्रिप है तो मुझे हॉस्टल की कोई ऐसे वो चुल नहीं अच्छा, और हॉस्टल okay. लाइफ के लिए मुझे 12वीं के बाद जाते तब तक मुझे अपने घर की कंफर्ट ज्यादा है बढ़िया तो चल रहा है गाड़ी भर के चलो रास्ते में छह स्टॉप्स ले रहे पकौड़े मोमोज ये पेलम पे तुम चलाती थी गाड़ी कौन

हाँ उसमें मैनेजर कहाँ गलाऊंगी नीचे <laughs> <laughs> नहीं वो दोस्ती में थोड़ा ऑकवर्ड होता था क्या मैंने किया नहीं इसलिए मैं पूछा हो बट यार होता है। तो चार लोग होते थे हम जिसमें से मेरा दो से पैसे लेने का मन था <laughs> अच्छा अरे अरे अरे, अरे। <laughs> तो वो उस पर डिपेंड करता ना कि किसको आप फ्री में रखना चाहते राइट, राइट। पर मेरे दोस्तों ने यार दो साल ना एक लंबा टाइम है हाँ। तो सबको लगा कि यार वो सब फिर कभी गुस्से में किसी वैसे लेट हो गए और वो तो उस तरह की लड़ाई में वो चीप कहीं कोई कमेंट ना कर दे कि भाई तेरे को मैं ही तो लेके जा रही हूँ तू क्या उड़ रही है समझ गई तो कल से लेके नहीं जाऊंगी अचानक से कोई लड़ाई होगी तो उस मामले में हमने ऐसा रख दिया कि यार ठीक है लेट्स जस्ट डच एंड कीप इट फेयर ताकि बोले ना हाँ और हाँ. हाँ अगर मैं उनकी जगह होती मैं किसी गाड़ी में जा रही होती मैं भी हूँ ऑफर करती भाई पैसे ले लो <laughs> रिस्पेक्ट पे ना आ जाए ढाई सौ रुपए के लिए मान वक्त सुनूंगी कि उतर मेरी गाड़ी से <laughs> हाँ, तो ऐसा तो एक ऐसा पैसा मुंह पे मारो ना कि फिर। कम से कम दो साल में चार छह बार मुझे मेमोरी याद हमारी गाड़ी पंचर हो रही है कभी कुछ हो रहा है तो फिर वो खर्चे अलग होते थे नॉट दैट हाँ नॉट दैट मैं उसके अलग पैसे ले रही हूँ ये अभी वही चल रहा है रुपए का उसने सर्विस भी कराई थी मैंने गाड़ी धुलवाई थी तीन सौ रुपए की आज तक वो तो मिले नहीं पैसे <laughs> <laughs> तो फिर हमने खुद ही ऐसे रखा हुआ था ठीक है यार अच्छा। हफ्ते में पांच दिन गाड़ी चल रही है और दिल्ली से नोएडा यार चालीस दिल्ली नहीं है। जहाँ पे तो वो वेस्ट और का कहीं पे है ना पश्चिम तो अच्छा खासा किलोमीटर था वो सही है तो पेट्रोल जा रहा था यार रोज अस्सी किलोमीटर गाड़ी चल रही है ति... तो गए ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स